मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा नोएडा में फिल्म सिटी बनाए जाने के प्रस्ताव पर राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद ने कहा कि प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश में मुंबई से बहुत ही अच्छा फिल्म सिटी बनाया जाएगा। अब पूरे देश के युवा मुंबई ना जाकर उत्तर प्रदेश आएंगे। उन्होंने कहा फिल्म सिटी बन जाने से प्रदेश के युवाओं को जहां अपनी प्रतिभा निखारने का मौका मिलेगा वहीं रोजगार भी सुलभ होगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद ने कहा, देखिए उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य महाराज जी ने प्रस्ताव ही नहीं दिया है, पूरा उस पर बल लगा करके मुंबई से बढ़िया फिल्मी सिटी उत्तर प्रदेश में बनाने का उन्होंने आह्वान किया है और निश्चित तौर पर एक सुंदर सा फिल्मी सिटी बनाएंगे ताकि अब हमारे यहाँ से लोग जो मुंबई जाते थे अब मुंबई के लोग हमारे उत्तर प्रदेश में आएंगे शूटिंग करने के लिए। महाराज जी का ऐसा सोच है। मैं महाराज जी को और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने एक अच्छे विचार के साथ उत्तर प्रदेश को एक बढ़िया प्रदेश बनाने के लिए और आगे ले जाने के लिए ये सारे काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ पे बहुत मुंबई में जैसे कि युवा जाते थे उनके साथ अपमान होता था, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, क्या कहना? देखिए मुंबई के लोगों की विचारधारा उनकी है लेकिन पूज्य महाराज जी की वो राम की नगरी है जहाँ अयोध्या शेर और बकरी एक घाट पे पानी पीते हैं और सबको भाईचारा में पिरो करके पूरे देश को एक करना चाहते हैं महाराज जी हमारे और माननीय प्रधानमंत्री जी। आज जिसका जैसा कर्तव्य होगा, जिसकी जैसा आचरण होगा, जो बोएगा वही पाएगा, लेकिन आज प्रधानमंत्री जी की पूरे विश्व में चर्चा है। इसको हम क्या बोलेंगे, ये सूरज को दीपक दिखाने के बराबर है, लेकिन इतना जरूर कहता हूँ महाराज जी और माननीय प्रधानमंत्री जी जो भी सोच रहे हैं वो बहुत अच्छा सोच रहे हैं और अपने देश का युवा बुजुर्ग नौजवान सभी लोग इस बात को सराह रहे हैं। आप देखे होंगे कोविड में जो फैसला लिया माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो सराहनीय है, पूरा विश्व उसकी सराहना किया। आज पूरा विश्व अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से जो निवेदन किया, अनुरोध किया, जो मांग किया, उसको सबको उन्होंने कोविड की दवा उपलब्ध कराने की जो हमारे पास थी भारत के पास सबको मुहैया कराया, सबका सहयोग किया। यही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इसी तर्ज पर चल रही है।